बस्तर में दो किसानों की गिरफ्तारी कर उन्हें बैंक कर्जा न चुकाने की वजह से जेल भेज दिया गया और अभी मामला लगातार तूल पड़ रहा है। हालांकि सरकार की पहल के बाद दोनों किसानों को विधिक सहायता पहुंचाई गई और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। भाजपा से प्रमुख मुद्दा बनाते हुए इस मामले की जांच कराने के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन कर टीम को बस्तर भेजा है। 4 सदस्यीय टीम में किसान मोर्चा संघ के महामंत्री भारत सिंह सिसोदिया, प्रदेश किसान मंत्री गौरी शंकर श्रीवास, अन्य 2 लोग शामिल हैं। जांच दल बस्तर ब्लॉक के भाटपाल ग्राम स्थित किसानों के घर पहुंचा और किसानों से मुलाकात की है, जिसके बाद जगदलपुर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। किसानों से मिलने पहुंचे भाजपाइयों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के इशारे पर किसानों को जबरन सुबह से पुलिस ने पूछताछ के नाम पर पूरा दिन अपने कब्जे में रखा। भाजपा की जांच दल ने इसे कांग्रेस की चाल बताया है। सीधा साधा बात है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले किसानों को आपने झांसा देकर वोट पा दी है और अब इस प्रकार से किसानों को जेल भेजने की बात है, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। और खबर वाले